मेरा नाम श्लोक लड्ढा, वर्ग चौथी क। आज मैं आपको भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान एक मिसाल है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 लाहौर के बंग नामक गांव में हुआ था। यह वह समय था जब देश की स्वतंत्रता के लिए चारों ओर आंदोलन चल रहे थे। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह से अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहा था। भगत सिंह बचपन से ही साहसी और होशियार थे, इसका प्रमाण उन्होंने बालपन में ही दे दिया। जब उनके पिता ने उनसे पूछा, भगत तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भारत को आजाद करने के लिए राइफल बो रहा हूँ। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह भारत को अंग्रेजों से आजाद करने का सोचा। 1926 में उन्होंने नवजवान भारत सभा की स्थापना की। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के साथ आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान पंजाब केसरी लाला जी को गंभीर चोटें आई, जिससे उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या की। भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाया, उसके विरोध में अपनी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर आत्मसमर्पण किया, जिसके पश्चात देशद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। इन महान अमर क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए देशवासियों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। भगत सिंह ने जो योगदान भारत को स्वतंत्र करने के लिए दिया, उसे हम भारतीय कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। जय हिंद, जय भारत।